नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है राजस्थान की अंजू जो पाकिस्तान पहुंच चुकी है अपने बॉयफ्रेंड नसरुल्ला के लिए अपने पति से झूठ बोल करके पाकिस्तान पहुंची हुई है उसके आगे की कहानी भी ऑलमोस्ट आपको सब पता है शादी कर चुकी है बुरखा बहन चुकी है और सबसे ख़ास बात यह है कि उसने इस पूरे अपने टूर के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि अंजू ने बुरखा पहना और उसके बाद से किस कदर झूठ बोलना शुरू कर दिया यह भी कि अब जब अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है वो दुश्मन देश में है उसके सामने काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं उसकी आज़ादी बुरखा पहनने के साथ ही छिन चुकी है आज़ादी मैं कौन सी आज़ादी की बात कर रही हूँ अपने देश में भारत देश में महिलाओं ही क्या सभी को पूरी आज़ादी है बोलने की और ख़ासतौर पर जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो उनको पूरी आज़ादी है अपनी बात कहने की पहनने ओढ़ने की वो कुछ भी पहने अंजू की ही बात करें तो अंजू जब पाकिस्तान पहुंची थी तो उसने जीन्स पहनी हुई थी ऊपर से उसने टॉप पहना हुआ था तमाम सारे सोशल मीडिया पर उसके फोटोग्राफ्स भी हैं लेकिन जैसे ही उसका प्री वेडिंग शूट होता है उसने बुरखा पहन लिया उसके दोबट्टा ओढ़ा हुआ था उसने और जब उसने बात की मीडिया के सामने जब वो आती है जब उसने अपना एक वीडियो जारी किया तो उसमें वो बहुत नापतोल के बोल रही थी जैसा कि मैंने बोला कि बोलने की आज़ादी ये सारी उसकी छीन चुकी है दुनिया देखने की आज़ादी भारत में थी तो उसको चुकी ये मन में था कि उसको पाकिस्तान जाना है वो आज़ाद थी इसीलिए पाकिस्तान पहुंची अगर उससे दुनिया देखने की आज़ादी नहीं होती तो वो पाकिस्तान में नहीं होती अपने देश में होती और अपनी बात रखने की आज़ादी सोशल मीडिया पे उसने जाते जाते अपनी बात रखी फ़ोन करने की आज़ादी जो अब उसके पास नहीं है क्योंकि कल से उसका कोई फ़ोन नहीं आया है तमाम सारी पाबंदियां उस पर लगने वाली हैं या ये समझ लीजिए कि लग चुकी हैं क्योंकि वो ऐसे देश में हैं जहाँ का कानून ऐसा ही है वहाँ के रिवाज ऐसे ही हैं जब सीमा हैदर के भारत पहुंचने की खबर एजेंसीज को लगी तो उनके होश उड़ गए सीमा हैदर सीमा हैदर से तमाम तरह की जानकारियां ली गई जानकारी अभी भी इकट्ठा की जा रही हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई सवालों के घेरे में है अंजू और सीमा की कहानी में एक समानता है उनका झूठ दोनों ने सीमा क्रॉस की बॉर्डर क्रॉस किया अपने प्रेम के लिए लेकिन झूठ बोल करके ठीक है अंजू ने वैलिड पासपोर्ट पकड़ा और वीज़ा लिया और उसके बाद वह चले गई लेकिन आज मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अंजू ने कितने झूठ बोले कितने लोगों से उसने झूठ बोला एक बात क्लियर कर दूँ कि कोई भी महिला अपनी इच्छा से किसी के साथ शादी कर सकती है किसी के साथ रह सकती है किसी के साथ सो सकती है घूमने जा सकती है पूरी तरह से आज़ाद है वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार रखती है लेकिन अगर महिला शादीशुदा है तो उसके कंधों पर दो परिवारों की इज्जत कह लीजिए या जिम्मेदारी कह लीजिए उस पर आ जाती है सामाजिक तौर पे और उसके साथ स्थिति बदल जाती है और कानूनन भी अगर आप पहली शादी में है और वहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आपकी शादी आपको खुश नहीं रख पा रही है तो आप कानूनान उस शादी को तोड़ सकते हैं और दूसरी शादी करने के लिए आज़ाद हैं सीमा हैदर और अंजू में अपनी पहली शादी ख़त्म नहीं की इस मामले में वो गलत साबित हुई और दूसरे प्यार में पड़ जाती हैं यानी कि जब वो अपने पति के साथ थीं उसी समय उन्होंने किसी दूसरे के साथ प्यार शुरू कर दिया इस प्यार में कोई बुराई नहीं है मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्यार करने के लिए किसी के साथ दोस्ती करने के लिए वो आज़ाद हैं लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पहली शादी को तोड़ना होगा ख़त्म करना होगा उसके बाद आप दूसरी शादी में जा सकते हैं अब दोनों ने देशों की सीमाओं को लांगा सीमा ने और अंजू ने लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सीमा कानूनी तरीके से भारत पहुंचती है और अंजू एक वैलिड वीज़ा पर पाकिस्तान पहुंचती है अंजू के दो बच्चे हैं जिन्हें ये पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है और अब वो ये भी नहीं जानते कि वो भारत लौटेगी या नहीं सीमा के चार बच्चे हैं लेकिन वो चारों बच्चों को साथ लेकर के आई है दोनों के पति ये दावा कर रहे हैं कि वो बिना बताए घर से निकली हैं अपने प्रेमियों के पास अंजू अब फातिमा बन चुकी है और जब बुरखा पहन चुकी है वो शादी कर चुकी है इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी है तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि अब वो शरीयत के अनुसार ही रहेगी जैसा कि उसका एक हलफनामा सामने आ रहा है उस पर भी मैं बात करूँगी लेकिन आप ये देखिए कि सीमा सीमा को कुछ भी बदलने के लिए नहीं कहा गया ना तो उसने अपना नाम बदला ना उसने पहचान बदली उसको धर्म बदलने के लिए भी किसी ने प्रेशर नहीं किया उसने अपने मर्जी से जो किया सो किया तो मैंने अभी महिलाओं के अधिकारों की बात की लेकिन इससे झूठ की जो झूठ उन्होंने बोला है दोनों महिलाओं ने या मैं अंजू की ही बात लूं अंजू ने जिस तरीके से झूठ बोला है उसे कोई भी समाज या कानून इज्जत नहीं देता है और फिर इस मामले में अंजू का परिवार कई सवालों का सामना कर रहा है उसके बच्चे कई सवालों के घेरे में आ गए हैं और स्थिति ये हो गई अंजू के पति अरविंद के सामने ऐसी स्थितियां बन गई कि उसको अपने घर को ताला लगा करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ गया ताकि वो इन सवालों के घेरे से बाहर निकले क्योंकि यू नो जिसकी पत्नी इस तरीके से चली जाए समाज उस पुरुष का सवालों से जीना मुश्किल कर देता है ये स्थितियाँ कई बार महिलाओं के सामने भी आती हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन अब जिस स्थिति में आज अरविंद है वो उसका दिल ही जानता है कि किस तरीके से उसका एक एक पल गुजर रहा है अंजू आती है या नहीं आती है इस पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और मैं आपको जो अंजू का हल्फनामा है शादी की बाबत उसे भी मैं आपको बताती हूँ अंजू ने अपने हल्फनामे में ये साफ साफ लिखा है कि अंजू पुत्री गया प्रसाद फ्लैट नंबर 704 टावर एरा एलिगेंस भिवाड़ी अलवर भारत ये उसका पता है और उसका पिछला नाम अंजू था वो ईसाई धर्म से थी और अब वो बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार कर रही है इसके लिए वो अपने देश भारत से जहाँ पाकिस्तान आई है ये सब गवाहों के सामने उसने कहा है और उसने अपने हल्फनामे में साफ साफ लिखा है कि मैंने गवाहों के सामने शरिया के अनुसार दस तोला सोने के सहित दहेज के बदले स्वेच्छा से नसरुल्ला से शादी की है नसरुल्ला मेरे कानूनी पति हैं मैंने अपनी मर्जी और नियत के मुताबिक नसरुल्ला से शादी की है ये मेरा कथन सत्य और सही है इस संबंध में कुछ भी छिपा नहीं है अब आगे बढ़ने से पहले आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा जो चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं अब मैं आती हूँ कि उसने नसरुल्ला से शादी करने के लिए कितने सारे झूठ बोले पहला झूठ तो उसने बोला अपने घर से जिस समय उसने कदम बाहर निकाला अपनी दहलीज से जिस घर में वो दुल्हन बनकर के आई थी अरविंद की होकर के आई थी अरविंद से भी उसका प्रेम विवाह था और उसके बाद बिना बताए अरविंद को वो बाहर निकलती है अरविंद ने पूछा कहाँ जा रही हो अंजू ने कहा कि जयपुर जा रही हूँ तब पति ने दूसरा सवाल किया कि जयपुर में क्या काम है जवाब मिला एक सहेली से मिलने जाना है असल में पति को जयपुर बता करके अंजू दिल्ली निकल गई थी और जयपुर में उसकी कोई सहेली नहीं रहती थी अब उसने दूसरा झूठ बोला जब ऑबियसली ये खबरें चलने लग गई कि कोई भारतीय महिला अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई है और अरविंद ने देखा कि ये तो उसकी अंजू है उसकी पत्नी है और वो हैरान हो गया उसने अंजू को व्हाट्सएप कॉल किया यू you नो know, आपका जो व्हाट्सएप होता है अगर किसी भी देश में व्हाट्सएप चल रहा है तो आप अपने देश से अपने फ़ोन से कहीं भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं अंजू ने फ़ोन रिसीव किया उसने कहा कि वो लाहौर में है अपनी सहेली के पास आ गई है और यहाँ भी अंजू ने झूठ बोला दरअसल 22 जुलाई को ही नसरुल्ला अंजू को लेकर के पख्तून नखवा के रबाला इलाके में पहुंच चुका था अब उसका एक और झूठ आपसे शेयर करती हूं मैं मतलब इतने झूठ कि आपको झूठ बोलने वाले इंसान से नफरत हो जाए अंजू भिवाड़ी की एक निजी कंपनी में डेटा ऑपरेटर का काम करती है करती थी और ये नौकरी उसको प्लेसमेंट के जरिए मिली थी छुट्टी का आवेदन भी वो प्लेसमेंट कंपनी को ही देती थी पाकिस्तान जाने के लिए उसने छुट्टी लेनी थी लेकिन वो उसे ये पता था कि अगर वो छुट्टी लेती है और उसमें पाकिस्तान का लॉजिक भरती है तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी और सही कारण बताने पे उससे दिक्कतें आ सकती हैं इसलिए उसने छुट्टी के लिए भी छूट बोला उसने कहा कि बहन से गोवा मिलने जाना है उसको पति से कहा कि सहेली से मिलने जा रही है अपने ऑफिस में कहा कि वो अपनी बहन से गोवा मिलने जा रही है अच्छा अंजू के पति ने जब रविवार को देर रात व्हाट्सएप पे बात की अंजू से तो इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और अरविंद ने अंजू से पूछा कि तुम्हारा दिवाड़ी आने का क्या प्लान है तो अंजू ने अपने पति को कहा कि वो मीडिया से दूर रहे उनसे ज़्यादा बातें मत करना नहीं तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी यानी कि अंजू के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फिर पति ने यह भी पूछा कि मीडिया में ये सब चल क्या रहा है क्या तुम मां शादी कर रही हो इस पर अंजू का जवाब था कि ऐसा कुछ नहीं है अब आप देखिए पाकिस्तान में जो वहाँ के लोकल पत्रकार हैं उन्होंने ये कहा कि वो नसरुल्ला से प्यार करती है यानी कि अंजू ने उनसे ये बताया कि नसरुल्ला से वो प्यार करती है और पहले उनकी बातचीत फेसबुक के शुरू होती है उसके बाद वो गहरी दोस्ती में बदली और उसके बाद उसने अपना देश छोड़ करके पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया और एक दूसरे से वो प्यार करते हैं शादी करना चाहते हैं यहाँ अपने पति से वो लगातार झूठ बोल रही है अपना जो उसने वीडियो शेयर किया यहाँ के मीडिया के लिए वो भी उसने झूठ बोला उसमें भी कि उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है अपनी बेटी से भी उसने झूठ बोला उससे उसने प्रॉमिस किया कि वो ज़रूर आएगी अब नसरुल्ला और अंजू दोनों पाकिस्तान में पुलिस से ये कहते हैं कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं शादी करना चाहते हैं इसलिए वो पाकिस्तान में मिलने आई है वहीं अंजू ने खुद को पुलिस को ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली तलाकशुदा महिला बताया जबकि उसका तलाक नहीं हुआ आप देखिए कैमरे पे उसका पति अरविंद अंजू के लिए कैसे आंसू बहा रहा है कितनी बेबसी है उसकी आंखों में अंजू के झूठ अभी खत्म नहीं हुए मैं आपको और उसके झूठ बताती हूँ अंजू ने जो वीज़ा अप्लाई किया था उसमें भी उसने झूठ बोला उसने उसमें जो कारण लिखा विजिट वीज़ा टू कम पाकिस्तान फॉर मैरिज यानी कि पाकिस्तान में वो शादी के लिए विजिट वीज़ा चाहती है और इसमें उसने एक और झूठ बोला उसने अपना जो प्रोफेशन है वो होटल मैनेजर बताया और देखिए ये एक लाइन के विजिट वीज़ा फॉर मैरिज ये क्लियर नहीं करता कि वो अपनी शादी के लिए जा रही है या शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही है हालांकि नसर ने किसी भी बयान में शादी होने की बात नहीं की है लेकिन ये जो हलफनामा आ गया है और जो बुरखे में उसकी फ़ोटोग्राफ्स आई हैं वो बता रही हैं कि उसने अपना नाम बदल लिया है वो फातिमा बन चुकी है उसने बुरख़ा ओढ़ लिया है यानी कि पाकिस्तान में अंजू के एकमात्र परिचित के यहाँ कोई शादी नहीं थी ऐसे में वो किसकी शादी में गई क्लियर हो ही गया कि वो अपनी शादी करने के लिए गई थी अब 20 से 26 जुलाई तक आज 6 दिन की कहानी है उसने हर कदम पे झूठ बोला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जाने के लिए अगर अंजु ने कानून का पालन किया भी है तो उसने अपने पति अपने रिश्तेदारों के साथ ईमानदारी क्यों नहीं बरती उसने उनके साथ झूठ क्यों बोला और आप ये देखिए कि हर चैनल पे वो बात हो रही है अंजू को लेकर के कोई किसी तरीके के सवाल कर रहा है कोई किसी तरीके के सवाल कर रहा है लेकिन अंजू अब कल से शांत है कल से ना तो उसका कोई फ़ोन आया घर में ना तो उसने बच्चों से बात की है उसने संडे को ज़रूर अपने घर में बात की थी और कहा था कि शादी की बातें सब झूठ है वो आ जाएगी लौट आएगी अब मैंने आज़ादी की बात की थी तो उसने बुरखा ओढ़ा है और अपनी सारी जो आज़ादी थी वो कुर्बान कर दी है आप चाहे प्यार के लिए कह दीजिए चाहे अपनी बर्बादी के लिए कह दीजिए क्योंकि यहाँ भारत में वो आज़ाद थी आज़ाद थी इसीलिए वो पाकिस्तान पहुँच गई कई बार आज़ादी भी बहुत ख़तरनाक हो जाती है तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो ये भी सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आज़ादी जो है कहीं उनके पाँव डगमगा तो नहीं देंगी यहाँ उसे बोलने की आज़ादी थी पहनने ओढ़ने की आज़ादी थी वहाँ उसको पहनने को केवल एक बुरका मिला है और वहाँ के जो धर्म के ठेकेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पठानों की बहू बन गई है अब वो पठानों की इज्जत है इसके बावजूद अंजू ने अभी तक ये नहीं घर में बताया कि उसने शादी कर ली है अब देखिए उसे यहाँ दुनिया देखने की भी आज़ादी थी दुनिया देखने की आज़ादी थी इसीलिए वो पाकिस्तान पहुंची लेकिन उसने इस आज़ादी का भी गलत फ़ायदा उठाया अपनी बात रखने की आज़ादी थी यानी कि वो हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे घूमने के लिए आज़ाद थी लेकिन उसने उस आज़ादी का भी गलत इस्तेमाल किया फेसबुक पे दोस्ती कर ली ये दोस्ती उसकी उन दिनों की है जब पूरा देश और दुनिया कोविड की चपेट में था बस एक चीज़ चल रही थी तो वो था इंटरनेट और आपका सोशल प्लेटफॉर्म इसी का सहारा लेकर के उसने एक दोस्त ढूंढ लिया वो था नसरुल्ला दो ढाई साल के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ और इधर सीमा की एंट्री होती है देश में वो सब कुछ देख रही है कि किस तरीके से सीमा अपनी बात को रख रही है किस तरीके से जांच एजेंसियां उससे बात कर रही हैं लेकिन उसने ये नहीं देखा कि सीमा बार बार कह रही है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो वह मैं मर जाऊँगी क्योंकि वहाँ का कानून ऐसा है अब ये सब जानते बूझते हुए अंजू अगर उस देश में गई है तो सोच समझ के गई है ना कि उसे अपनी आज़ादी ख़त्म कर देनी है पहनने की ओढ़ने की बोलने की और कहीं भी देश दुनिया घूमने की अब जब उसने शादी कर लिया नसरुल्ला से तो वो बहुत कम उम्मीद रह जाती है कि वो भारत लौटे और एक बात और है दोस्तों अगर वो पाकिस्तान में रहती है ना तो उसके लिए दिक्कतें कम नहीं होने वाली और ये सबसे बड़ी सोचने की बात ये है मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि अंजू को इतनी आसानी से पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने वीज़ा कैसे दे दिया कहीं ये कोई ब्लैक मेलिंग का खेल तो नहीं है इधर सीमा भारत आती है उधर भारत देश की एक महिला पाकिस्तान पहुंच जाती है तो ये आखिर में कोई लेन देन या कहिए कि बदलापुर जैसी कहानी ना हो जाए कि कोई एक्सचेंज करने की बात दोनों देशों के सामने ऐसी कोई शर्त ना रख दी जाए भारत के सामने जो भी अंजू ने किया है प्यार किया है ठीक है उसे मैंने पहले ही किया कहा कि औरतों को अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने की आज़ादी है लेकिन कम से कम वो ये तो देख लेती कि वो कहाँ जा रही है किस देश में जा रही है अगर उसे ये पता है कि वैलिड वीज़ा से जाना ठीक रहेगा तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि वो किस देश में घूमने जा रही है प्यार में वो इतनी अंधी हो गई इतनी पागल हो गई कि उसने ये भी नहीं देखा कि वहाँ पर महिलाओं की हैसियत क्या है उनको कितनी आज़ादी है अपने देश में वो कितनी आज़ाद घूम रही थी और पाकिस्तान में उसके साथ क्या होगा लोग जो एक्सपर्टीज़ हैं जो वहाँ के पॉलिसीज़ को जानते हैं जो वहाँ के शरीयत को जानते हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अंजू ने गलत जगह पे कदम रख लिया है अब उसका अगला जो कदम है वो सीधा दलदल में जाएगा जहाँ से वो कभी निकल नहीं सकेगी और सवाल ये भी है कि उसके पति का क्या दोष है उसके बच्चों का क्या दोष है उसकी जवान होती बेटी कल को उस बेटी को बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी उसके बेटे को बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी क्योंकि उसका पति तो चीज़ों को मैनेज कर लेगा लेकिन उसके बच्चों का क्या कितने झूठ बोले उसने उसने जिन बच्चों को जन्म दिया उनके साथ भी ईमानदारी नहीं बरती और ये सब बातें सामाजिक हैं लेकिन अगर हम देश की बात करें तो उसने अपने देश के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया दोस्तों अभी के लिए इतना ही आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन को ज़रूर से दबा दीजिएगा बेल आइकॉन को आप दबाएंगे तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए जय हिंद जय भारत